जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बढ़ जाता है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। अगर आप जिंदगी में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी नहीं होता। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। सबसे ज्यादा दर्द तो तब होता है जब हम अपना दर्द किसी को बता नहीं पाते। एक साल में 50 दोस्त बनाना बहुत छोटी बात होती है, लेकिन 50 साल तक एक से ही दोस्ती निभाना बहुत बड़ी बात होती है। उस इंसान से हमेशा दूरियां बनाए रखना जिस इंसान को अपनी गलती कभी नजर ही नहीं आती हो। जब हम किसी के मोह में पड़ जाते हैं तो हमें उसकी बुराइयां नहीं दिखती, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हमें उसकी अच्छाइयां नहीं दिखती। रिश्तों के बाजार में वही इंसान अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना, क्या पता आपकी जैसी जिंदगी दूसरों लोगों का सपना हो। जो लोग दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं सबसे पहले दिल उन्हीं का टूटता है। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्तों में आंसू हमेशा बेकसूर का ही होता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफें होंगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। हर अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। याद रखिए, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। बेइज्जती का जवाब इतने इज्जत से दो कि सामने वाला शर्मिंदा हो जाए। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। कभी फायदा उठाते उठाते थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच भी उठा लेना। अगर कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो आप उसका भरोसा तोड़ कर यह एहसास मत कराओ कि वह अंधा है। एक बात हमेशा याद रखना, जो सबका हो जाए वह कभी भी किसी एक का नहीं हो सकता। इंसान की समझ बस इतनी सी होती है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जब किसी के जिंदगी में आपके जगह कोई और आ जाए तब आपका पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। पैरों में लगने वाली चोटें हमें संभलकर चलना सिखाती हैं, और मन में लगने वाली चोटें हमें संभलकर जीना सिखाती हैं। किस्मत और हालात जब दोनों साथ नहीं देते तब उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी के सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तो खुद के मेहनत से ही मिलती है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को ही समझा लेना उचित होता है। कमाल के होते हैं वे लोग जो अपना सब कुछ खोकर भी दूसरों को खुश रखते हैं। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलने लगेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। किसी भी व्यक्ति को ज्यादा सुधारने की कोशिश करोगे तो वह व्यक्ति आपका दुश्मन हो जाएगा। सोच हमेशा ऐसी रखो, जो मुझे आता है उसे मैं कर लूंगा और जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूंगा। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ भी नहीं होता, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ होता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा सकते वही आपको गिराकर हराने की कोशिश करते हैं। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देने लगे। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताब पढ़ने से बेहतर होती है। अपनी जिंदगी को इतनी भी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग भी खेल कर चले जाएं। जब तक आपके पास पैसा है दुनिया पूछेगी भाई तू कैसा है। वह इंसान आपकी अहमियत कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहोगे। खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी के किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को।
जिंदगी में जीतने के लिए जिद होना चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। किसी को ज्यादा भाव दोगे तो वह आपको रद्दी के भाव बेच देगा, इसीलिए किसी पर उतना ही उड़ाओ जितना वह समेट सके। अहित चाहने वाला अपना भी पराया है और हित चाहने वाला पराया भी अपना होता है। मैं जानता हूँ मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाता। जिंदगी में कभी भी मुश्किल समय आए तो घबराए नहीं, मुश्किल समय हमें मजबूत बनाने के लिए ही आता है। आज की कड़वी सच्चाई है, आप चाहे सबका भला करते रहो पर लोग कभी आपके सगे नहीं हो सकते। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहता है। घमंडी इंसान अपने आवाज़ को भारी और शब्दों को हल्के रखते हैं, और समझदार इंसान अपने शब्द भारी और आवाज़ को हल्के रखते हैं। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक बार फिर से ट्राई करो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को शांत सरोवर बनाइए, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ब खुद बुझ जाए। जिंदगी के किताब में धैर्य का कवर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को सुरक्षित रखता है। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लें। दुनिया को देख कर जो फैसले लेते हैं वो हमेशा दुखी ही रहते हैं। अच्छा काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या न करें। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिला पहचान उम्र भर के लिए रहता है। आपकी सारी अच्छाई को नज़रअंदाज करने वाले लोग आपकी एक गलती पर झट से उंगली उठाने से पीछे नहीं रहते। किसी ने मुझसे पूछा कि सब कुछ जानने के बाद भी चुप कैसे रह लेते हो। मैंने कहा, कोई अपने मतलब के लिए कितना गिर सकता है, बस यह देखना अच्छा लगता है मुझे। लाख जमाने की डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन जिस इंसान में बोलने की तमीज नहीं हो वह अनपढ़ के बराबर होता है। उजाले की कदर उन्हें ही होती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी अंधेरा देखा हो। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का असली मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। जिंदगी में धोखा खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि चलना माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद से सीखना पड़ता है। जीवन में खुश रहने का केवल एक ही मंत्र है, उम्मीद खुद से ही करें, किसी और से नहीं। बस आपको अपने कदमों पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया की तो आदत है राहों में रुकावटें पैदा करना। अकेले रहना अच्छा है बजाय उन लोगों के साथ रहना जो आपके प्रगति के मार्ग में बाधा बनते हैं, जो आपके सामने किसी दूसरे व्यक्ति की निंदा करता है। यकीनन कभी न कभी किसी और के सामने आपकी भी निंदा करता होगा। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत दे देती है। कदर इंसान की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। दूसरों के सामने खुद को लाचार और बेबस मत दिखाइए, लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना वह आपसे मुकाबला नहीं कर सकता। जरूरी नहीं कि सभी तूफान आपकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए ही आते हैं, कुछ तूफान आपके मार्ग को भी साफ करने के लिए आते हैं। अगर कोई आपको न समझे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग सभी के समझ में नहीं आते। अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए कुछ भी छोड़ देना, लेकिन किसी के लिए अपनी खुशहाल जिंदगी मत छोड़ना। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकता है, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति तो हमेशा अकर में रहता है। संभाल कर रखी गई चीज और ध्यान से सुनी गई बातें कभी न कभी काम आ ही जाती हैं। जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देने से भी लोग अक्सर बदल जाते हैं। हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुन्दर में भले ही पानी अपार है, परंतु सच तो यही है कि वो नदियों का उधार है। एक पानी की बोतल दुकान पर 20 रुपए में मिलती है, वही पानी की बोतल होटल में 40 रुपए में मिलती है। इसी प्रकार यदि आपको कहीं अपनी वैल्यू कम फील हो रही हो तो अपनी जगह बदलो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जन्म कब लेना है और कब मरना है यह हम तय नहीं कर सकते, परंतु कैसे जीना है यह हम ही तय करते हैं। दिल को साफ रखो और सबको माफ करो, जिंदगी हसीन हो जाएगी। हमारी उपलब्धियों में भी दूसरों का योगदान होता है, क्योंकि समुन्दर में भले ही पानी अपना होता है, पर सच तो यही है कि वह नदियों का उधार होता है। शायद यह वक्त हमसे कोई चाल चल गया, रिश्ता वफा का और ही रंगों में ढल गया। रिश्तों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा।
कोई फर्क नहीं पड़ता। इस जमाने में मतलबी जमाना है, नफरतों का कहर है। ये दुनिया दिखाती शहद है और पिलाती जहर है। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनी जा सकती है वो यकीनन एक दिन खत्म हो जाती है। अगर रास्ते खूबसूरत हो तो पता करें कि किस मंजिल की तरफ जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो तो रास्ते की बिल्कुल भी परवाह न करें। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर इंसान के साथ इतनी खूबसूरती के साथ रिश्ता निभाओ कि लोग आपको खोने से डरे। कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हजारों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए और छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गया। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे लगने दीजिए। जो दो पल में बदल जाए वो विचार नहीं, वहम कहलाते हैं। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। दूसरों के बुरे वक्त पर हंसने वालों, याद रखना वक्त जब भी शिकार करता है चारों तरफ से वार करता है। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। खुल जाएंगे सभी रास्ते मुश्किलों से, लड़ तो सही। सब होगा हासिल तू जिद पर अर तो सही। कुछ इस तरह से जिद करना सीखो, जो लिखा ही नहीं मुकद्दर में उसे भी हासिल करना सीखो। अक्सर अकेलापन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने में ही मिलता है। दुनिया में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम है समझदारों को समझाना। अगर हालात पर तुम्हारी पकड़ सही है तो यकीन मानो, ये जहर उगलने वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। वक्त और प्यार दोनों जिंदगी में खास होते हैं। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी का नहीं होता। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। घर बड़ा हो या छोटा यह मायने नहीं रखता। उस घर में एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान कितना है यह मायने रखता है। जीवन में खुश रहने का एक ही मंत्र है, अच्छा सोचो और चिंता करना छोड़ दो। अपनी वाणी को हमेशा शुद्ध रखिए, संस्कारों की यह पहली अमानत होती है। व्यक्ति का नजरिया और बात करने का तरीका बताता है कि उसे संस्कार कैसे मिले हैं। भरोसा एक स्टिकर जैसा होता है, कितना भी प्रयास कर लीजिए लेकिन पहले जैसा दोबारा नहीं चिपकता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीहत सबको अच्छी लगती है। जो सामने मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे आपका काम बिगाड़े, ऐसे मित्रों से दूर ही रहना चाहिए। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र रहती है। हर कोई आपको समझ नहीं सकता और हर किसी को आप समझा भी नहीं सकते। जब कोई इंसान दूसरों से धोखा खाता है तो वो उससे लड़ जाता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह चुप हो जाता है। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ है। पैसों से अमीर होना आम बात है, लेकिन दिल से अमीर होना बहुत खास बात है। खोई हुई चीज को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। कठिनाइयां आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाइयां आने के बाद ही इंसान मजबूत होना सीखता है। कटी हुई टहनियां कहाँ छांव देती हैं, हद से ज्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेता है। जो आपके शब्दों का मूल्य नहीं समझता, उसके सामने मौन रहना ही बेहतर है। जिस चीज को आप चाहते हैं उसमें असफल होना, जिस चीज को आप नहीं चाहते उसमें सफल होने से बेहतर है। जो आने वाला कल है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगा। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते हैं क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लगने लगती है। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वो आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। कर्म वह फसल है जिसको हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसीलिए हमेशा अच्छी बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अगर अंधे आदमी को दिखने लगे तो सबसे पहले वह अपनी छड़ी फेंकता है जिसने हमेशा उसका साथ दिया। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलना भी सीख लो। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपने साथ अपने खड़े हो जाते हैं। उन लोगों से हमेशा बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं
दिमाग में रखते हैं। कभी कभी रास्तों को नहीं बल्कि खुद को बदल लेना ही बेहतर होता है। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। समय वह तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। नाम और पहचान चाहे छोटी हो मगर अपने दम पर होनी चाहिए। जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी होती है उसका नाम मौत है। अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना भी भूल जाते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। कभी गौर किया है आपने, जो लोग बहुत कम बोलते हैं वो अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत ज्यादा बोलते हैं। जीतने के बाद तो पूरी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाए सिर्फ वही आपका अपना है। जिंदगी में ऐसा एटीट्यूड बनाओ, जो जैसा है उसे उसकी भाषा में समझाओ। पैसों की कीमत तभी समझ में आती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है। अगर गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी ताकत और हिम्मत दोनों बेकार है। जो इंसान नियम बनाकर आज का काम आज करेगा, देखना एक दिन वो पूरी दुनिया पर राज करेगा। किस्मत के खेल भी हजार हैं, जो मिल नहीं सकता उसी से प्यार है। एक को कोई फर्क नहीं पड़ता और दूसरा जान देने को भी तैयार है। जिंदगी को खुश होकर जियो, क्योंकि रोज शाम को सूरज ही नहीं बल्कि आपकी अनमोल जिंदगी का एक दिन भी ढल जाता है। जिनकी वफा पर नाज था हमें, हमने उनके हमराज बदलते देखा है और हालात बदलती ही लोगों के अंदाज बदलते देखा है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के पार ही नजर आती है। जिंदगी में मोहब्बत भले ही खो जाए, लेकिन मोहब्बत के लिए जिंदगी मत खोना। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं कि वे लोग दूसरों की खुशियां भी खा लेते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीद से जीता है तो आप भी उसके यकीन पर खरा उतरिए, क्योंकि इंसान उसी से उम्मीद करता है जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है। इतने काबिल बनो कि कोई आपसे ये न बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होता। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जो इंसान हमेशा दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट कर चला जाता है। कुछ लोग बाहर से बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन दिल से उतने ही जहरीले होते हैं। सपने पूरा करने में इतना देर भी मत कर देना कि सपने केवल सपने ही रह जाए और पूरी उम्र निकल जाए। उन लोगों को कभी मत भूलना जो तुम्हारी मदद शुरुआत से कर रहे हैं। पैसों से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन विश्वास और ईमानदारी नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, वैसे वैसे कुछ लोग मेरे दिल से उतरते जा रहे हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता तब मिलती है जब हम रोज जीवन में थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते हैं। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। आप थोड़ा सब्र करो, ये मुसीबत के दिन भी गुजर जाएंगे और हंसी उड़ाने वाले के चेहरे भी उतर जाएंगे। उस इंसान को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा है। सच्चा रिश्ता एक पुस्तक जैसा होता है, चाहे कितना भी पुराना हो जाए लेकिन शब्द नहीं बदलते। उनका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहते। कोई आपका दर्द पूछेगा इसका कभी इंतजार मत करना। अपनी दवा आप खुद हो, ये हमेशा याद रखना। जिंदगी में कुछ ख्वाब ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम चाह कर भी पूरा नहीं कर सकते। सही कर्म वो नहीं है जिसका परिणाम सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत न हो। ये दुनिया है जनाब, यहाँ होठों से नहीं नोटों से बात होती है। अगर कुछ बदलना है तो अपना स्वभाव बदलो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। मैंने वक्त को बहुत करीब से देखा है, ये अच्छे अच्छे को भी बदल देता है। अगर आपको वक्त का पता ही नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आपका वक्त अच्छा चल रहा है। जिंदगी में कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा तो एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा पंख काटने कोई न कोई जरूर आएगा। इंसान की बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीकों से झलकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा थप्पड़ किसी से लगाई गई उम्मीद मारती है। अपनी जिंदगी ऐसे जियोगी अगर कोई आपकी बुराई करे तो लोगों को विश्वास ही न हो।
बगावत हमेशा ईमानदार और स्वाभिमान लोग ही करते हैं। चालाक लोग तो चापलूसी और तलवे चाटकर अपना काम निकालते हैं। रिश्ते कम बनाइए लेकिन उन्हें दिल से निभाइए, क्योंकि अक्सर लोग बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। इज्जत शोहरत और दुआएं खरीदी नहीं जाती, उन्हें अपने व्यवहार से कमाया जाता है। परछाई कद से और बातें औकात से ज्यादा होने लगे तो समझ लेना सूरज डूबने वाला है। जो टूटकर भी मुस्कुरा दे उसे कोई नहीं हरा सकता। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। बुरे वक्त में जो इंसान आपका साथ छोड़ दे तो समझ लेना कि वो कभी आपके साथ था ही नहीं। इस दुनिया में किसी भी इंसान की मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि एक अच्छे मन की जरूरत होती है। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। जिनका वक्त खराब है उनका साथ जरूर दो, लेकिन जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूर ही रहना बेहतर है। आपकी पहचान बड़े लोगों से नहीं बल्कि मुसीबत में साथ देने वालों से होनी चाहिए। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। मुझे उन लोगों से कोई समस्या नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते, मुझे तो उन लोगों से समस्या है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना आपकी मेहनत ही आपका साथ देगी। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, आप सच के साथ चलिए, देखना एक दिन वक्त आपके साथ दौड़ेगा। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वह है जिसे ये पता है कि चुप कहाँ रहना है। अहंकार भी आवश्यक है जब बातें अधिकार चरित्र और सम्मान की हो। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूँ जहाँ मुझे किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब जिंदगी की गाड़ी सही पटरी पर होती है तो सब साथ देते हैं, लेकिन जरा सा भी रास्ता खराब होता है तो कोई साथ नहीं देता। अपनी जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है। एक हद तक दर्द सहने के बाद इंसान खामोश हो जाता है, फिर न वो किसी से शिकायत करता है और न ही किसी से उम्मीद करता है। चिंता कर्ज और प्रेम कोई करता नहीं, बस हो जाता है। ऊपर वाले से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कभी उम्मीद मत रखना। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते। मरने पर मातम मनाने सब आ जाएंगे, लेकिन मुसीबत में साथ देने कोई नहीं आएगा। बातें तो हर कोई समझ लेता है, पर मुझे वो इंसान चाहिए जो मेरी खामोशी को भी समझ सके। किसी ने पूछा कि उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है, मैंने कहा जो अपनों के बिना बीते उसे उम्र कहते हैं और जो अपनों के साथ बीते उसे जिंदगी कहते हैं। आप अपनी जिंदगी में हर किसी को उतना ही जगह दो जितना वो तुम्हें देता है, वरना या तो तुम खुद रोओगे या तो वो तुम्हें रुलाएगा। हर कोई चाहता है कि सब लोग उसकी तारीफ करे, लेकिन ये इच्छा अंतिम संस्कार वाले दिन ही पूरा होता है। रिश्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती, स्वार्थ पूरा होते ही रिश्ता अपने आप टूट जाता है। अगर एक बार रिश्तों को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि अब ये हर बार झुकेगा।